एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शौत्यान को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो अपने फोन में देखती है कि जीचेन ने उसे रिक्वेस्ट भेजा था, पर फिर शौत्यान उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जीनी यानी शाओई के घर पे खाना डिलीवर करने आई थी। अब जीनान को देखकर शाओई का दोस्त उसे पहचान लेता है और बोलता है कि तुम जीचेन की सिस्टर हो ना। जीनियान हाँ बोलती है। फिर शाओई बोलता है कि तो तुम जीचेन की सिस्टर हो तो तुम क्या करती हो, और तुम जूलियट स्कूल में पढ़ती हो ना। जीनियान हाँ बोलती है। अब ये सुनकर शाओई बोलता है कि फिर तो तुम हमारी गेस्ट परफॉर्मर बन सकती हो। जीनियान बोलती है कि पर मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, पर शाओई उसे मना लेता है। फिर वो सभी सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे थे। अब फिर शौत्यान को पता चलता है कि सभी लोग जीचेन को कल्प्रिट समझ रहे हैं और जीचेन की जॉब को खतरा है। अब दूसरी तरफ जीचेन दूसरे बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में था। अब मीटिंग में दूसरे मेंबर्स बोल रहे थे कि जब तक ये सिचुएशन सही नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए और तुम्हारी पोजीशन किसी और को दे देते हैं। फिर जियांग वहाँ पर आकर बोलती है कि मैं जीचेन की जगह नया सीईओ बन जाती हूँ जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। अब जीचेन उसे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में सीईओ बनोगी। जियांग बोलती है कि किसी और के बनने से अच्छा मैं ही बन जाती हूँ, तो मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकूंगी। उसके बाद जियांग मीटिंग में बोलती है कि जीचेन को कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है और अब से मैं नया सीईओ हूँ। और शौत्यान बोलती है कि जीचेन को उन्होंने क्यों निकाल दिया है, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर जीचेन उसे बैठने के लिए बोलता है। फिर जीचेन ऑफिस से अपना सामान ले जा रहा था। शौत्यान वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। जीचेन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ही वरीड हो, पर चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शौत्यान बोलती है कि आप मेरे बॉस हो और मैं कहीं भी इनजस्टिस नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही है। फिर जीचेन शौत्यान के पास ही बैठ जाता है। उसके बाद शवी जीचेन से मिलने के लिए ऑफिस में चला जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर जियांग बैठी थी। वो बोलता है कि तुम तो जीचेन नहीं हो, इसलिए वो फिर से बाहर आ जाता है। फिर वो बाहर शौत्यान के पास जीचेन को देखता है। शाओई जीचेन से बोलता है कि अब तो तुम सस्पेंड हो गए हो, तो अब तुम क्या करोगे। जीचेन बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर जीचेन पेपर प्लेन उड़ा रहा था। शाओई शौत्यान से बोलता है कि बाहर से जीचेन को देख के लग रहा है कि वो बहुत ही टेंशन फ्री है, पर अंदर वो बहुत ही परेशान है। फिर शौत्यान जीचेन से बोलती है कि तुम्हारा अब यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, तो क्यों ना तुम घर चले जाओ। फिर जीचेन वहाँ से चला जाता है। जब नेक्स्ट डे शौत्यान कैफे में आती है, वो देखती है कि वहाँ पर जीचेन काम कर रहा था। ये देखकर शौत्यान हैरान हो जाती है। फिर जीनियान बोलती है कि जीचेन ने खुद आकर उससे बोला है कि आज वो काम करेगा। फिर शौत्यान जियांग के पास जाकर बोलती है कि जीचेन की इसमें कोई भी गलती नहीं है और अभी भी वो शाओई का एजेंट है, तो उसे ऑफिस में रखना चाहिए। अब जियांग को शौत्यान बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब नेक्स्ट सीन में जीनियान को शाओई फोन पे बोल रहा था कि उसकी कॉन्सर्ट में जीनियान भी परफॉर्म करेगी। और फिर ये बात जिनशिन को पता चलता है और वो बोलता है कि तुम फेमस हो जाने के बाद हमें मत भूल जाना। फिर जियांग हाँ आकर बोलता है कि हम तुम्हारी कॉन्सर्ट देखने जरूर जाएंगे। अब ये सब सुन के जीनियान बहुत ही खुश हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे शौत्यान को ऑफिस में आकर पता चलता है कि जीचेन दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में था। अब मीटिंग में चेन बोल रहा था अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो हमें जीचेन को कंपनी से निकालना पड़ेगा। फिर जियांग सभी को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जहां पर साफ साफ पता चल रहा था कि चेन और लूसी ने मिलके ही सब कुछ किया था और लूसी और चेन ही एक्चुअली में कल्प्रिट है। फिर जियांग बोलती है कि अगर तुम ये सब नहीं मानोगे तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। फिर चेन सब कुछ बोल देता है और पुलिस चेन और लूसी को पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग शौत्यान को कॉल करके बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम जीचेन के घर पे आओ। उसके बाद जियांग शौत्यान से बोलती है कि अगर तुम जीचेन को छोड़ दोगे तो इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगी। अब शौत्यान बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जीचेन कोई चीज़ नहीं है कि मैं वो तुम्हें दे दूँ, और जीचेन मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर जियांग फोन में बोलती है कि
शौतियान ने तुम्हें अपना लव कन्फेस कर दिया है। फिजियांग बहुत ही हंस रही थी और बोलती है कि जीचेन ने ये सब कुछ सुन लिया है और मैं फर्स्ट से ही जीचेन की मदद कर रही थी। ये सब कुछ सुनकर शौतियान को जीचेन और यांग के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर जीचेन फोन के अंदर से बोल रहा था कि मैंने जियांग से ये सब कुछ करने के लिए नहीं बोला था, पर शौतियान वहाँ से ऑलरेडी चली गई थी। अब नेक्स्ट सीन में शाओई का कॉन्सर्ट चल रहा था और बैकस्टेज में जीचेन शौतियान को मनाने की कोशिश कर रहा था। जीचेन उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलती की है, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर शाओई उसके हॉस्पिटल के फैन को थैंक्स बोलता है, फिर वो शौतियान को थैंक्स बोलता है, फिर कैमरामैन शौतियान को ढूंढ लेते हैं कि शौतियान बैकस्टेज में थी, फिर स्क्रीन में वो दोनों ही दिख रहे थे। अब ऑडियंस देखती है कि जीचेन ने शौतियान को पकड़ा हुआ था। अब ये देख के सभी बोलते हैं कि जीचेन को हाँ बोल दो और उसे एक्सेप्ट कर लो। फिर जीचेन शौतियान को हग कर लेता है। उसके बाद जीचेन बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और शौतियान मान जाती है। फिर जीचेन उसे किस करता है। उसके बाद जिनयान भी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती है। फिर जीचेन की हार्ट बीट बहुत ही बढ़ जाती है और सडनली वो बेहोश हो जाता है। और ये पार्ट इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।